नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है डेली क्विज जो हम लाते हैं, आज नंबर 18 है, ठीक है। 7 क्वेश्चन है इसमें, और इसके पहले आपको क्वेश्चन देखने हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए हुए हैं, और उसके आंसर आप बताइएगा। फिर मैं इसके लास्ट में, 7 क्वेश्चन के बाद आपके आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि 3 स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट वाला चूज करना है। 4 स्टेटमेंट है, सॉरी 4 स्टेटमेंट है, बताइए इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है। जल्दी से आप पढ़ लीजिए कि राज 3077 और 1482 क्या ये गेहूं की वैरायटी हैं, और दूसरा है पीलीभीत कॉन्स्टिट्यूएंसी को बोलते हैं मिनी पंजाब उत्तर प्रदेश का, कॉटन को बोलते हैं गोल्डन फाइबर तीसरा है, और चौथा है कि राइस जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है वीट के बाद। इन चारों में से करेक्ट वाला। दूसरा क्वेश्चन, गोवर्धन स्कीम जो अभी बजट में लॉन्च की गई थी, इससे रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए। देखिए आज ये 8 बजे मैं पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाला बना रहा हूँ, काफ़ी देर से उसमें लगा हुआ हूँ, तो थोड़ा लेमेन की बात हम समझने के लिए कई बार टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो वो आपको मिल जाएगा रात तक करीबन 11-12 बजे तक, जैसे ही मेरा प्रिपेयर हो गया, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, गोवर्धन से क्या क्या इसके आपके फ़ायदे हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके 3 स्टेटमेंट है करेक्ट वाला बताइए कि बेंगलुरु बेस्ड जो ट्रांसजेंडर है मुबीना, उन्होंने तमिलनाडु के विल्लुपुरम में 2018 मिस कुआगम सौंदर्य जीता है, दूसरा है 2016 में जो इंडिया की रैंकिंग है 6 है, और ये यूएस सॉरी रशिया के साथ है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हिसाब से, मतलब डोपिंग के केसेस में, ठीक है। तीसरा है कि विजय प्रहर ये भारतीय सेना का अभ्यास ही उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है क्या, तो इन तीनों में से आपको बताना है इनकरेक्ट वाला, गलत वाला। चौथा स्टेटमेंट है, ये आपको ट्राइब्स के नाम लिखे हुए हैं और ये कहाँ पाई जाती है, इनमें से इनकरेक्ट वाला बताना है, जल्दी से बताइए। मनकीदिया उड़ीसा से रिलेटेड है क्या, गुज्जर हिमाचल प्रदेश, आप पता नहीं क्या नागालैंड से, तीनों के में से जल्दी बताइए। चौथा क्वेश्चन है AFSPA, इनसे रिलेटेड यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट से रिलेटेड, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, इन तीनों में से सही सही बताना है, जल्दी से बताइए इन तीनों में से सही सही। पहला है स्टेटमेंट कि क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि एक पर्टिकुलर पार्ट स्टेट का यूनियन टेरिटरी का डिस्टर्ब एरिया है AFSPA के अकॉर्डिंग, यानी कि वहाँ पे आप आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा सकते हैं। दूसरा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय है जो हमारा, वो इसको इन्फोर्स करता है जब नेसेसरी समझता है, और तीसरा है कि इफेक्टिव इस समय होल ऑफ द नागालैंड असम मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा, पूरे नागालैंड असम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा में है ये, बताइए कौन कौन सा करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट है कि इनमें से जीआई टैक्स सबसे ज़्यादा जीआई टैक्स किसके पास है, किस स्टेट के पास है, ठीक है। और ये लास्ट आपका है क्वेश्चन आज का, इन चारों इन ये तीन एक्चुअली अभियान या फिर स्कीम लिखी हुई हो किन सी रिलेटेड है वो बताना है आपको। पोषण अभियान क्या मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट लच क्या एलपीजी से रिलेटेड था, और राइज जो स्कीम है वो क्या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, इन तीनों में से इनकरेक्ट वाला, ठीक है। तो ये आज के 7 क्वेश्चन हो गए, अब चलिए आपको आंसर बता देते हैं सबके। उससे पहले एक चीज़ ये देख लीजिए, ये है हमारी वेबसाइट और यहाँ पे चल रहा है कॉन्टेस्ट, आप जीत सकते हैं 250 रुपये इस कॉन्टेस्ट में भाग लेके, ठीक है। पहला वाला जो आज ये था, ये सिर्फ RRB और SSC CGL के लेवल का है, लेकिन जो आपको परसों होगा, ठीक है, 17 तारीख को होगा, वो UPSC वाले क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे, और पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाइएगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वहाँ पे UPSC और स्टेट PCS के लेवल पे, आप रिजल्ट के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से कॉन्टेस्ट, तो ये वाली जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं GK की, अगर आप देखें यहाँ पे GK जो सामान्य ज्ञान है, UPSC स्टेट PCS के लिए बहुत मटेरियल है यहाँ पे। देखिए इन्वायरमेंट की पूरी बेसिक है ये इसमें, ठीक है, बाकी जितनी भी बेसिक बुक्स हैं जो आपकी, और उनकी समरी है यहाँ पे NCERT NIOS सबकी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की समरी मिल जाएगी, फिर ये प्रैक्टिस के लिए आपको 1600 जो क्वेश्चन है ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पॉलिटी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है पूरे। हिस्ट्री के लिए आप यहाँ से थोड़ा सा रिविज़न कर सकते हैं, एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न, तो ये आप देख लीजिएगा काफ़ी सारी चीज़ें। स्टैटिक GK भी मैं डेवलप करवा रहा हूँ, देखिए ये ऑनलाइन फ्री टेस्ट भी आने वाले हैं काफ़ी सारे हमारे, NCERT की समरी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, और टोटल करंट अफेयर UP मध्य प्रदेश बिहार, बहुत सारी चीज़ें और भी आने वाली हैं। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर था आपका, ये आज का पहला क्वेश्चन था, और इसका आंसर है सी,
ठीक है, टू और वन जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि पीलीभीत को बोलते हैं मिनी पंजाब ऑफ यूपी, ठीक है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला भी सही है कि जो राज 3077-1482 ये वैरायटी है वीट की, ये दोनों सही है, ये दोनों गलत हैं। गोल्डन फाइबर किसके किसको बोलते हैं यार, एनसीईआरटी में कितनी बार तो लिखा हुआ है जूट, और राइस थोड़ी ना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी क्रॉप है वो है राइस, वीट तो सेकेंड है, तो ये दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवर्धन स्कीम से क्या क्या आपके बेनिफिट हैं। गोवर्धन का मतलब लेमैन में वही समझ लीजिए, जो गोबर है उसको बायोगैस में किसी तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके विलेज क्लीनिंग हो जाएगी, उसके बाद इनकम बढ़ जाएगी, एनर्जी जनरेशन हो जाएगा, और वेल्थ और एनर्जी का प्रमोशन हो जाएगा वेस्ट से, चारों तो सही हैं, इसमें डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट है इसमें, इसमें ये थोड़ा करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, ठीक है, 3 और 1। ये एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा था, पहला वाला में क्या है, ये चेन्नई बेस्ड है, ठीक है, चेन्नई बेस्ड जो ट्रांसजेंडर मुबीना है उन्होंने जीता है 2018 का मिस कुवागम जो ब्यूटी पेजेंट है तमिलनाडु में हुआ है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है ये। तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, बताइए ये विजय प्रहार की जो एक्सरसाइज है कहाँ पे हुई थी, उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, ये ए है इसका, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, सी है इसका आंसर, ठीक है, सी आंसर है, सी इनकरेक्ट पूछा है, पहला और तीसरा गलत है और दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपको इनकरेक्ट पूछा है यहाँ भी, ये दोनों करेक्ट हैं, ये जो मनकीडिया ट्राइब है ये उड़ीसा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ये गुज्जर हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, और आपकी जो गलत है वो है अपातानी, ये कहाँ पाई जाती है जल्दी से बताइए, बहुत फेमस ट्राइब है ये, ठीक है, इसका आंसर बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFSPA, इसके तीन स्टेटमेंट लिखे थे और इसमें से जो आपका पूछा था करेक्ट वाला कौन कौन सा है, ठीक है, करेक्ट वाला पूछा है आपसे, तो इसका आंसर है सिर्फ टू वाला जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है सेंट्रल, जबकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है डिस्टर्ब एरिया को, और तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो इफेक्टिव होल ऑफ द नहीं है, कुछ कुछ पार्ट में असम के है बस, ठीक है, तो होल ऑफ द वाले नहीं, इसीलिए गलत है ये, 1 और 3 गलत है, दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैक्स किसको मिल किसके पास है अभी तक, सबसे ज़्यादा जीआई टैक्स जो रजिस्टर हुए हैं वो किसके हुए हैं, कर्नाटका के, ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट वाला पूछा है, देखिए पोषण अभियान तो माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट लक्ष्य एलपीजी से रिलेटेड है, राइज जो स्कीम है वो आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। इसी के साथ क्विज खत्म होती है, प्लीज़ आप लोग इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये अभी फिर से व्यू कम हो रहा है, मुझे लगता है यूपी पीसीएस में शायद लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दिए, फिर मैं और कहीं अपनी एनर्जी को करूँ डाइवर्ट, और जो आपकी 24 सॉरी 20,000 जो जीके वाला है वो वाला पार्ट भी आपको मिल जाएगा रात तक। देखिए ये आप एक चीज़ यहाँ पे कर लीजिए, देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो इसको सब पता चल जाएगा आपको कि कब मैं कौन सा वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में नोटिफिकेशन आता नहीं है, यहाँ कर लीजिए, बहुत ज़रूरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।